है गाइज वेलकम टू माई चैनल इट्स इंग्लिश टाइम सो अभी भी हम वही टॉपिक कर रहे हैं ईडियम्स का टॉपिक जिसके मैं ऑलरेडी तीन वीडियोज़ बना चुकी हूँ और आज की है हमारी फोर्थ वीडियो इसी टॉपिक पे सो so, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जो लोग आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और इससे पहले की जो तीन वीडियोज़ इसी टॉपिक पर जो मैं बना चुकी हूँ उनको ज़रूर देखें और अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका मिल जाएगा सो द फर्स्ट इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड इसका मतलब होता है अ रियली गुड इन्वेंशन जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इन्वेंट की जाए मीन्स बहुत अच्छी इन्वेंशन जो हो उसे कहते हैं द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ इज़ ऑफिशियली द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मीन्स जो ब्लूटूथ है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वेंशन किया गया है बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन चीव विच मीन्स टेक ऑन a डिफ़िकल्ट वर्क दैट इज़ बियॉन्ड योर केपेबिलिटीज़ आपकी केपेबिलिटी जितनी है आपकी कितनी क्षमता है उससे ज़्यादा जो आप डिफ़िकल्ट काम करें उसे कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव मी जितना आप खा सकते हो उससे ज़्यादा अगर आप चीज़ को बाइट करो तो उसका मतलब होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई काम को लें करने के लिए फॉर एक्ज़ाम्पल एंड्री टोल्ड हिज बॉस दैट ही विल ट्रिपल द सेल्स बट इन रियलिटी बाइट ऑफ मोर देन ही कैन जी एंड नाउ ऑल ऑफर्स आर इन ट्रबल जैसा कि एंड्री ने अपने बॉस को कहा था कि वो सेल्स को ट्रिपल कर देगा बट इन इवेंचुअली क्या हुआ कि उतना नहीं हो पाया रियलिटी में वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क था करने के लिए और अब वो सब ट्रबल में आ गए प्ले बाय द इयो विच मीन्स टू इम्प्रोवाइज किसी को कोई बहुत अच्छी चीज़ इंप्रोवाइज करना I just went to Canada and did everything by the ear no itinerary and no schedules ignorance is bliss which means you are better off not knowing something means better hai ki aap ko jane for example his wife always asked him about always asked him what it was he did last night turned out He was insider trader trading, but she knew nothing about his. So she won't be convicted. Sometimes ignorance is bliss. me जो उससे चीज़ें पूछती थी वो कि वो last night क्या करता था वो सब चीज़ों को वो समझ नहीं सकती थी फिर भी वो उन्हें पूछती थी तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को ना ही पूछें आप इग्नोर कर दें सो so, तब हम कहते हैं इग्नोरेंस इज़ bliss, विच मीन्स यू आर बेटर ऑफ नॉट knowing समथिंग किसी चीज़ को अगर आप नहीं जानते हो तो बेटर है कि आप उस चीज़ में ना ही पढ़ो पुट समथिंग ऑन आइस मीन्स टू पुट समथिंग ऑन होल्ड किसी चीज़ को रोक देना का मतलब होता है पुट समथिंग ऑन आइस रोक देने का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को होल्ड पे डाल देना सपोज आपके कुछ प्लान्स हैं और आपने उसको होल्ड कर दिया कि हम बाद में कर लेंगे तो तब हम कह सकते हैं पुट समथिंग ऑन आइस फॉर एग्जांपल एज पर द बॉस ऑर्डर माइकल हैज़ पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस मीन्स माइकल के जो पर्सनल मैटर्स थे उसने उसको होल्ड पे डाल दिया तो विच मीन्स पुट समथिंग ऑन आइस यू कैन से दैट अगेन मीन्स दैट्स एब्सल्यूटली ट्रू जो कोई चीज़ सच्ची है तो आप उसे कह सकते हो यू कैन से दैट अगेन द अर्थ इज ब्लीडिंग यू कैन से दैट अगेन पॉल बाइट द बुलेट मीन्स टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडिड सो इसका मतलब है टू गेट समथिंग ओवर किसी चीज़ को ओवरकम करना जो कि अवॉइड ना की जा सके फॉर एग्ज़ाम्पल विक हैज़ डायग्नोस्ड द सेकेंड स्टेज कैंसर बट ही डिडेंट वॉन्ट टू गेट कीमोथेरेपी बाई द विल ऑफ़ हिज वाइफ ही बिट द बुलेट उसने उस चीज़ को ओवरकम नहीं किया आई I मीन mean उसको ओवरकम किया लेकिन उसे इग्नोर नहीं किया उसने अवॉइड नहीं किया गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स स्टार्ट ओवर किसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने को हम कहते हैं गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट टू लेट टू गो बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड एंड एसेस योर मिस्टेक्स अपनी जो गलतियाँ हमने की हैं उसको दोबारा ठीक करने जो ठीक करना है हमें उन्हें ठीक करने कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं होती है मीन्स कोई टाइम कभी भी ऐसा नहीं है कि वो टाइम निकल गया है और आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर सकते कॉल इटर डे मीन्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग किसी चीज़ पे जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं और उसे रोक दिया जाए तो हम कहते हैं कॉल इट अ डे फॉर एग्जाम्पल आ सो वॉट वी इन कम्प्लीट द पजल टूडे लेट्स कॉल इट अ डे एंड कम अगेन एंड कम बैक अगेन टू मोरो तो क्या हुआ अगर हम आज का जो पज़ल है उसको कम्प्लीट नहीं कर सके हैं हम उसको रोक देते हैं और कल फिर से स्टार्ट करेंगे बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स टू टॉक अबाउट अननेसेसरी थिंग्स जो कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है नेसेसरी नहीं है उन चीज़ों के बारे में बात करने को हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश फॉर एग्ज़ाम्पल वन आई आस्क माई सेक्रेटरी अबाउट द मिसिंग फाइल्स एंड एंड डॉक्यूमेंट्स शी वॉज बीटिंग अराउंड द बुश मीन्स अननेसेसरी चीज़ों के बारे में वो बात कर रही थी जब उसके बॉस ने उससे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा बी अ टाइट कॉर्नर मीन्स बींग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो आप कह सकते हो बी इन अ टाइट कॉर्नर फॉर एग्जाम्पल राधाज लो ग्रेड्स डिस्पाइट हर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हैज़ पुट हर इन अ वेरी टाइट कॉर्नर मीन्स उसके जो कॉन्स्टेंटली लो ग्रेड्स आ रहे थे राधा के उनकी वजह से वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गई एट द इलेवेंथ आर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट जब कोई काम हम एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट पे करें उसे हम कहते हैं एट द एलेवेंथ आर फॉर एग्जांपल वाई लीविंग फॉर शिमला हर्षित कैप्ट फोन मोबाइल फ़ोन चार्जर इन द बैग एट द एलेवेंथ आर मीन्स जब वो शिमला के लिए लीव कर रहे थे तब हर्षित ने अपने मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर निकला जैसे हम निकल रहे हैं और तब उन्होंने वो चार्जर को रखा तो उस टाइम हम कहते हैं एट द एलेवेंथ आर स्वैन सॉन्ग मीन्स द लास्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज डेथ मीन जब कोई आर्टिस्ट जो है उसकी डेथ हो रही है उसे जस्ट पहले जो वो एक पीस ऑफ वर्क जो अपना बनाता है उसे कहते हैं स्वैन सॉन्ग फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेंटिंग वॉज एम एफ़ हुसैन स्वैन सॉन्ग मीन्स ये जो पेंटिंग है वो एम एफ हुसैन की स्वैन सॉन्ग है विच मीन्स कि उन्होंने डेथ से जस्ट पहले ये पीस ऑफ वर्क बनाया था

पुलिसमैन के लिए दो चोरों को पकड़ना एक साथ वो भी एक फुल पैक्ड रोड पे जहाँ बहुत ज़्यादा जाम है वो बहुत मुश्किल है मींस इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल यूजलेस चीज़ है वो बरी द हैचेट मींस एंडिंग अ क्वेरल टू मेक पीस शांति बनाने के लिए कोई बहस को बंद किया जाए तो उसे कहते हैं बरी द हैचेट क्वेरल का मतलब होता है बहस करना आर्ग्यूमेंट करना फ़ॉ एग्ज़ाम्पल माई फादर ब रीड द हैचेड बाई इक्वली डिवाइडिंग दास्ता बिटवीन मी एंड माई सिस्टर मेरी फादर ने जो हमारी बहस थी उसको बंद कर दिया इक्वली पास्ता डिवाइड करके मेरी और मेरे सिस्टर के बीच में टू बेल द कैट मीन्स टू फेस अ रिस्क जब कोई रिस्क आप फेस करें इट मीन्स टू बेल द कैट फॉर एग्जाम्पल ही बेल्ट द कैट वेन ही वॉज़ ट्राइंग टू एस्केप द प्रिजन जेल से बाहर निकलते वक्त या इस्केप करते वक्त भागते वक्त उसने रिस्क फेस किया उसको कहते हैं हम टू बेल द कैट टर्न अ डेफ योर मीन्स टू इग्नोर वट समन इज संग जब कोई इंसान आपको कुछ कह रहा होता है और आप उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं अनसुना करते हैं उसे कहते हैं टर्न अ डेफ ईर फॉर एग्जाम्पल वेन एवर हर मदर कंप्लेन फॉर हर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन अनु टर्न अ डेफ योर जब भी अनु की मदर उसे कंप्लेन करती थी कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है तो अनु एक टर्न डेफ ईयर हो जाती थी मीन्स उनकी मदर की बातों को वो इग्नोर कर देती थी एट सी मीन्स कन्फ्यूज फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एट सी वाई चूजिंग अ लहंगा फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग एट मनीष मल्होत्राज स्टोर अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए जब मैं लहंगा चूज कर रही थी तो आई वॉज सो कन्फ्यूज टू बी इन अ डोल ड्रम्स विच मीन्स टू बी इन अ लो स्पिरिट जब हमारी स्पिरिट जो है वो लो हो जाए उसे कहते हैं हम टू बी इन द

उनको जरूर देखिए अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन like में भी लिंक इसका इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक फर्स्ट इज इन बेस्ट थिंग एंड सिंस हाउ ब्रेड एंड प्लीज सब्सक्राइब मतलब होता है